हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल। माइसेल्फ अभिषेक कुमार, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। तो टुडे आई विल डिस्कस पर्टिकुलर वीडियो पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ 11th एनसीईआरटी, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो यू एंजॉय दिस सेशन एंड स्टे ट्यून विद मी। इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल, सो आई प्रोवाइड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। So let us start without wasting any time. Student with me. So friends, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो आई वॉन्ट टू गिव ओवरव्यू बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आफ्टर डेट क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, आफ्टर डेट किंगडम मोनेडा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटीन एनिमेलिया, आफ्टर डेट वायरस वायराइड्स लाइकेन एंड प्रियॉन्स। सो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो ऑफ ऑर्गेनिज्म जो था हमारा, वो अपने बेसिस के हिसाब से हम लोगों ने उसको क्लासीफाइड कर रखा था ऑर्गेनिज्म को। जो हमारे बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन की, वो फूड शेल्टर एंड क्लॉथ होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासीफाइड कर रखा था। तो टेस्ट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सो सिंस द डाउन द सिविलाइजेशन, जैसे जैसे हमारी सभ्यता की स्टार्टिंग हुई, ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन यूज क्लासीफाइड, जो हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड कर रखा था अपने यूज के हिसाब से, उसको क्लासीफाइड कर रखा था। जो ह्यूमन की बेसिक नीड होती है फूड शेल्टर एंड क्लॉथ होती है, ठीक है। सो मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था हमारे अरिस्टोटल साहब ने दिया। मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे अरिस्टोटल साहब ने दिया। तो उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजी ऑफ कैरेक्टर को उन्होंने देखा और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर दिया। तो उन्होंने प्लांट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। प्लांट जो बड़े बड़े पेड़ थे उनको ट्री बोल दिया, जो उससे छोटे थे उनको सर्ब बोल दिया, और जो उससे भी छोटे थे उनको हर्ब बोल दिया। सर्ब में हमारे आते हैं जैसे जो हमारी झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और हर्ब में आते हैं हमारे पम्पकिंस वगैरह, कुकरबिट्स वगैरह जो आते हैं उनके जो स्टेम होते हैं, और जो हमारा वीट प्लांट होता है उसका जो सॉफ्ट स्टेम होता है, तो उसको हम हर्ब में काउंट करते हैं, ठीक है। उन्होंने प्लांट को तो इसमें ट्री, सर्ब और हर्ब में डिवाइड कर दिया। उन्होंने एनिमल को भी टू ग्रुप्स में डिवाइड किया। उन्होंने एनिमल को देखा जिसमें रेड ब्लड था, उसको इनेमा बोल दिया, मतलब प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड कॉल्ड इनेमा, और जिसमें रेड ब्लड नहीं था उसको एनेमा बोल दिया, जिसमें रेड ब्लड नहीं था उसको बोल दिया एनेमा, हैड नॉट रेड ब्लड कॉल्ड एनेमा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम जो था हमारा, फर्स्ट पहले हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर थ्री किंगडम, फिर फोर किंगडम, फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे आर एच विटेकर साहब ने दिया था, जो कि मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। और हमारा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, जिसको हम थ्री डोमेन सिस्टम बोलते हैं, जिसको कार्ल वोग्ट साहब ने दिया था, ठीक है, वो हम सब देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई कैरोलस लिनियस इन 1758 में हमारा जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जो कि हमारे कैरोलस लिनियस साहब ने दिया। उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट को ऑल किंगडम प्लांटी में रखा, और सभी एनिमल को किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन अभी में कुछ ऐसी कमियां थी जो कि जिसकी वजह से ज़्यादा समय तक यूज नहीं किया जा सका उसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिमिडिस थी जो कि अपनी कैटेगरी में फॉलो नहीं हो रहे थे कुछ सारे ऑर्गेनिज्म वगैरह, तो उसको ज़्यादा समय तक यूज नहीं कर पाए, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन नॉज डिस्टिंग बिटवीन, इसकी डिमिडिट्स क्या है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन था हमारा, यू कैरियोट और प्रो कैरियोट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि यू कैरियोट क्या है प्रो कैरियोट क्या है, उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। और जो हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बता पाया। फोटोसिंथेटिक जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गा होते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई हमारा हो गया, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, उसके बारे में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था हमारा, समझने में तो बहुत आसान था उसको, समझ लेते थे, समझने में बहुत आसानी थी कि जो किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स को रख दिया गया, उस किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल को रख दिया गया। बट जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, उनकी कैटेगरी में फॉलो नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन को हम ज़्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर पाए, क्योंकि हमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरत होता है वो सारी इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं थी, इसलिए हम ज़्यादा समय तक इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन को यूज नहीं कर पाए। इसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आया वो हमारे अर्नेस्ट हेकल साहब ने दिया था। अर्नेस्ट हेकल साहब ने फिर टू किंगडम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1866 में। इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा दिया। तो प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम तो हमारे
लीनियस साहब ने दिया, बट जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा दिया हमारे वो अर्नेस्ट हेकल साहब ने दिया। उसके बाद हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारे कोपलैंड साहब ने दिया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन 1956 में हमारे कोपलैंड साहब ने दिया। और फिर आफ्टर उसके बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो आर एच विटेकर साहब ने दिया 1969 में। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से ही आएगा, उसके क्राइटेरिया से पूछ लेंगे। और या और जो हमारा लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वायरस वेराइड्स, ये दो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो हम देख लेते हैं इसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई आर एच विटेकर इन 1969। इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो था, ये हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन होता है। इट इंक्लूड मोनेडा, इसमें क्या क्या होते हैं, मोनेडा होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, प्लांटी होता है और एनिमेलिया होता है। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के जो मेन क्राइटेरिया थे, जो आर एच विटेकर साहब ने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड करने के लिए जो अपने क्राइटेरिया यूज किए वो क्या क्या थे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें था मेन क्राइटेरिया जो था सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर क्या है वो था। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम एल्गी को बोलते हैं थैलोफाइडा, तो मतलब एल्गी की बॉडी के बारे में पढ़ें तो हम थैलोफाइडा बोलते हैं, इसी वजह से बॉडी के बारे में है तो उसको थैलस बोलते हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का है या सेक्सुअल टाइप का है। ठीक है, वेजिटेटिव है, किस टाइप का है, ये सब हम देखते हैं इसमें। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को हम इवोल्यूटरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं, इवोल्यूटरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, सो फिर हम देखते हैं किंगडम मोरेडा के बारे में। तो किंगडम मोरेडा में हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को रखा गया, जितने हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं उनको हम किंगडम मोरेडा में रखा गया। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट क्या है, प्रोकैरियोट वो होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो हमारा किंगडम मोनेडा में रखा गया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, इसमें मेम्ब्रेन मास ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये सब हैं, तो इस वजह से हम इसको किंगडम मोनेडा में रखते हैं। तो देख लेते हैं टेस्ट में क्या लिखा हुआ है। सो बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेडा, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेडा के सोल मेंबर होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेडा की आत्मा है। ठीक है, तो इन मोनेडा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। इन मोनेडा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म पुट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को रखा गया है। ठीक है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है जो वो वेरी सिंपल होता है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, बट उसका जो बिहेवियर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, जो हमारे ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे हेटरोट्रॉफ होते हैं, मतलब वो अपना खुद खाना नहीं बना पाते हैं, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, है ना। बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अर्थ में हमारे बैक्टीरिया हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अर्थ में बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जैसे हम एक हैंडफुल सॉइल, अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी उठाएंगे तो उसमें थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया, बहुत तादाद में बैक्टीरिया हम पा सकते हैं उसमें। ठीक है, बैक्टीरिया सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है वो बहुत एक्सटेंसिव होती है, बहुत विशाल होती है। ठीक है, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे हर जगह पाए जा सकते हैं, सॉइल में, वाटर में, हर जगह बैक्टीरिया हमारे दिख जाता है, इस वजह से मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। सो हंड्रेड ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल सॉइल, जो हमारे एक मुट्ठी में बैक्टीरिया होंगे लगभग वो सौ की तादाद में होंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, कहाँ पे किस जगह की हम अपना मिट्टी ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, जो हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होता है हमारा, जो अपना खाना खुद बना ले, या वो फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकता है, वो कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकता है। कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं जो केमिकल कंपाउंड को अपना यूज करके उससे अपना भोजन बनाएं, उसको हम कीमो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। वो फोटोट्रॉफ होते हैं, फोटो का मतलब होता है, फोटोज का मतलब होता है लाइट। ठीक है, जो बैक्टीरिया लाइट को, लाइट एनर्जी को यूज करके अपना भोजन बनाए उसको हम फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे बहुत एक्सट्रीम हैबिटाट यानी हार्श हैबिटाट यानी एडवर्स कंडीशन में भी रह सकते हैं, जहाँ पे बहुत एडवर्स कंडीशन होती है वहाँ पे भी हमारे बैक्टीरिया रह लेते हैं।
जैसे हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया हमारे हॉट स्प्रिंग डिजर्ट, हॉट स्प्रिंग बहुत जहाँ पे गर्म होता है डिजर्ट में, जहाँ स्नो बहुत ठंडा होता है, और डीप ओशियन जहाँ पे हमारे गहरे गहरे समुद्र में भी बैक्टीरिया रह लेते हैं, और जो बहुत स्नो जहाँ पे बहुत बर्फबारी होती है वहाँ पे भी बैक्टीरिया रह लेते हैं। ठीक है, मैनी बैक्टीरिया लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं एज ए पैरासाइट, जो हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है तो उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी, तो बैक्टीरिया को हम लोगों ने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ऑन देयर शेप, उनके शेप के अकॉर्डिंग हम बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल बैक्टीरिया जिसको हम कोकस बोलते हैं, जो राउंडेड होते हैं उनको हम स्फेरिकल बोलते हैं और उनको हम कोकस भी बोलते हैं। ठीक है, जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, जो रॉड के नुमा होते हैं, रॉड शेप होते हैं, तो उनको हम बैसिलस बोलते हैं, और जो कॉमा शेप होते हैं तो उनको हम विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, और जो स्पायरल शेप होते हैं मतलब धागे के नुमा होते हैं तो हम उनको स्पायरलम बोलते हैं, स्पायरिलम। ठीक है, सब देख लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया जो हमारे मोनरा में ही आते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को हम बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एंशियंट बैक्टीरिया। आर्की से नाम ही पता चल रहा है, एंशियंट बैक्टीरिया मतलब प्राचीन बैक्टीरिया, जो हमारे प्राचीन बैक्टीरिया थे वो किस टाइप के थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल टाइप, ये बैक्टीरिया भाई प्राचीन बैक्टीरिया थे तो कुछ तो इसमें होगा स्पेशल। ठीक है, दे लिव सम मोस्ट हार्श हैबिटेट, ये ऐसी कुछ एडवर्स कंडीशन पे रहते थे, हार्श हैबिटेट पे रहते थे, इसी वजह से ये कुछ अलग थे। ठीक है, सच स्ट्रीम जैसे साल्टी एरिया, जो साल्टी एरिया होता है हेलोफाइल्स बोलते हैं, जहाँ पे नमकीन पानी होता है साल्टी एरिया होता है उसको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग को हम थर्मो एसिडोफिलस बोलते हैं, जो थर्मस होता है मतलब थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो इसी वजह से हम इसको देख लेते हैं मतलब इसको हम समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हॉट स्प्रिंग मतलब थर्मो एसिडोफिलस। ठीक है, जो मार्सी एरिया होता है, मार्सी एरिया जो होता है हमारा, मार्सी से मतलब मार्सी एरिया जहाँ से मीथेन गैस बनती है, दलदली जो भूमि होती है जहाँ पे दलदली जगह होती है उसको मार्सी एरिया बोलते हैं, वहाँ पे हमारे मेथनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो मेथनोजन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, जो मेथनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बहुत सारे रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ एंड बफेलो को हम रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं, इनकी गट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द स्टोमच होता है, गट जो है पार्ट है, ठीक है, इंटेस्टाइन का, तो उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बायोगैस को हम गोबर गैस भी बोलते हैं, जो पहले हम लाइट के यूज में करते थे, उसको खाना बनाने में यूज होता था बहुत रूरल एरिया पे। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया भाई क्यों डिफर है बैक्टीरिया से, तो कुछ तो ऐसा है तभी इनको हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से, आर्की बैक्टीरिया जो हैं बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं, जो इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसमें क्या ऐसे हैं, उनकी लिपिड जो ब्रांच लिपिड की चेन पाई जाती है, इस वजह से उनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है इन एक्सट्रीम कंडीशन वो बढ़ जाती है, लिपिड ब्रांच लिपिड की चैन पाई जाती है, इस वजह से उनकी जो सर्वाइवेबिलिटी एक्सट्रीम कंडीशन में बढ़ जाती है। आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप ऑफ सीडोमोरिन, जो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो सीडोमोरिन की बनी होती है, एंड ब्रांच चैन लिपिड मॉलिक्यूल की बनी होती है। सो इससे फ़ायदा ये है कि जो उनकी जो मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी थी, मतलब मेम्ब्रेन का एक तरह से देखा जाए जो टूट मेम्ब्रेन उसकी टूट रही होगी मतलब ख़राब हो रही होगी, तो वो जल्दी नहीं ख़राब होती है, इंक्रीज हो जाती है उसकी फ्लूडिटी, इंक्रीज हो जाती है इन एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में उसकी फ्लूडिटी इंक्रीज हो जाती है, जल्दी वो ख़राब नहीं होती है, इस वजह से उनको आर्की बैक्टीरिया बोलते थे। अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था यू बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ये भी हमारे मोनरा के अंदर आते हैं, जितने बैक्टीरिया हैं वो सारे हमारे किंगडम मोनरा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया कैरेक्टरिस्टिक बाई प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, जो यू बैक्टीरिया में होते हैं हमारे उनमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती हैं, जो रिजिड सेल वॉल होती हैं वो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जो रिजिड सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है,
और नाग एन नाम बन की बनी होती है। नाग को हम बोलते हैं यन एस्टिल ग्लूकोसामिन, एंड जो नाम होता है यन एस्टिल म्यूरोमिक एसिड जो होता है हमारा, वो नाम होता है, ठीक है। जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो हमारी आर्की बैक्टीरिया की सेल वाल बनी थी वो हमारी सीडोमिनोन की बनी थी और ब्रांच चेन मॉलिक्यूल की बनी हुई थी, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया आल्सो, जो हमारा साइनोबैक्टीरिया जिसके नाम पे बैक्टीरिया आ रहा है तो समझो वो मोनेटा में ही आएगा, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है हमारा उसको हम बीजीए बोलते हैं, ब्रू ग्रीन एल्गा, ठीक है। इसके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए होता है इसके पास में, जो कि क्लोरोफिल ए हमारे प्लांट के सिमिलर होता है, जो क्लोरोप्लास्ट हमारे क्लोरोफिल हमारे प्लांट्स में होता है उसी के सिमिलर होता है प्लांट, एंड ये ऑटोट्रॉफ होता है। जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है इसको हम किंगडम मोनेटा में पढ़ते हैं, इसके पास, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, इसके पास हमारा जो क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, इस वजह से हम इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गा होता है बीजीए जो होता है हमारा वो यूनिसेलुलर होता है, बीजीए जो होता है हमारा यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल भी हो सकता है यानी अपनी कॉलोनी बना के भी रह सकता है, ये फिलामेंटस भी हो सकता है मतलब धागे के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकता है, और ये हमारा फ्रेश वाटर पे भी रह सकता है, और ये मराइन वाटर हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, ये मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि पे रह सकता है, ये फ्रेश वाटर पे रह सकता है, मराइन पे रह सकता है, कॉलोनी बना के रह सकता है अपना, फिलामेंटस धागे के रूप पे हम इसको देख सकते हैं, और ये हमारा यूनिसेलुलर होता है ना। तो हमारा जो बीजीए की जो कॉलोनी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गा की जो हमारी कॉलोनी होती हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गा की हमारी कॉलोनी होती है जनरली सराउंडेड बाई जिलेटेनियस सी, जो ब्लू ग्रीन एल्गा की हमारी कॉलोनी होती है वो जिलेटेनियस सी से सराउंडेड होती हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गा जो होता है ये हमारा वाटर ब्लूम फाउंड करता है, वाटर ब्लूम बनाता है, वाटर बॉडी को पॉल्यूटेड करता है हमारा। सम ब्लू ग्रीन एल्गा फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा जो होते हैं हमारे वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनके ब्लू ग्रीन एल्गा पे एक सेल्स पाए जाते हैं हेट्रोसिट्स, जो हमारी जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं नॉस्टॉक है एनामिना हमारे ये बीजीए ही है बीजीए, ये हमारे हेट्रोसिट्स इनमें सेल पाई जाती हैं, ये हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक, जो मतलब किसी भी बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, मतलब कीमो का मतलब होता है केमिकल, केमिकल मतलब केमिस्ट्री, जिस नाम की बैक्टीरिया के आगे केमिस्ट्री लगी इसको हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलेंगे, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लाइक नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, जो हमारा नाइट्रेट होता है नाइट्राइट होता है अमोनिया होता है, इनको अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया इन वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंट को यूज करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट नेचर, जो हमारे हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं हमारे नेचर में बहुत पाए जाते हैं, मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर, जो हमारे हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं हमारे नेचर में बहुत पाए जाते हैं, और इनमें से मेजॉरिटी आप जो होते हैं वो हमारे वो डिकम्पोजर होते हैं, मतलब किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं, यानी किसी चीज़ को डिकम्पोज करने का मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है, डिकम्पोज करना। सो हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया सॉ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जो हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं वो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, दे हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो हमारे हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ह्यूमन के माइनकाइंड के लिए कुछ हमारे अच्छे भी हैं हेल्पफुल भी हैं, है ना। जैसे हमारा कर्ड से दूध से हमारा दही बनाता है लैक्टोबैसिलस हमारा बैक्टीरिया होता है जिसको हम लैब बैक्टीरिया बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी हमारा होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक जो हमारे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी करते हैं वो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं एंटोट्रॉफ, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूम राइजोबियम जो होता है हमारा ये लिग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सम आल्सो कॉज डिजीज, कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया मोस्टली जो हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे हैं, सम बैक्टीरिया आर डिजीज कॉजिंग, जैसे हमारे कुछ क्रॉप में डिजीज कॉज करते हैं, हमारी जो फसल्स होती हैं उनमें डिजीज कॉज करते हैं, फॉर्म एनिमल जो हमारे जानवर हम लोग पालते हैं एनिमल पालते हैं काउ बफेलो पालते हैं, तो उनमें कुछ एनिमल जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनमें डिजीज कॉज करते हैं, जैसे हमारे जो ह्यूमन में डिजीज होती है कोलरा विब्रियो कोलरा ही होती है, जो हमारा टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है ये कॉज करता है,
टिटनस होता है, सिट्रस कैंकर कैंकर होता है, ठीक है। ये सिट्रस कैंकर जो हमारा ये प्लांट की डिजीज है, ठीक है। जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है, ये माइकोप्लाज्मा भी हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होता है हमारा कम्प्लीटली लैक ऑफ सेलवाल, जो माइकोप्लाज्मा में होता है इसमें सेलवाल नहीं पाई जाती हैं, ये कम्प्लीटली लैक होती है सेलवाल। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन में पूछ लेगा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो हम आंसर करेंगे माइक्रोप्लाज्मा, सॉरी माइकोप्लाज्मा आंसर करेंगे हम इसका, ठीक है। तो इसका ये हमारा जो होता है एनऑक्सीजनिक होता है, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है अपने आप को, ये माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है हमारा, जिसमें कम्प्लीटली लैक सेलवाल होती है, इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि अपने सेलवाल को चेंज करता रहता है, अपना रूप रंग बदलता रहता है, ठीक है। इसको हम PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको हम PPLO बोलते हैं। तो इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, बिकॉज चेंज देयर शेप इन यूरिटम ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट ऑर्गेनिज्म रखे गए, इसको किंगडम प्रोटिस्टा की हमारी जो बाउंड्री है वो क्लियर नहीं है, बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड। जो किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री है वो हमारी क्लियर नहीं है, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो कनेक्टिंग लिंक मानते हैं हम लोग, किंगडम प्रोटिस्टा एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांटी एनिमेलिया एंड फंजाइन, जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो हमारे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांटी एनिमेलिया एंड फंजाई की कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्रैसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड, स्लिम मोल्ड, प्रोटोजोवन को रखा है, ठीक है। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे क्रैसोफाइट्स हैं, डायनोफ्लैजेलेट हैं, यूग्लेनॉइड हैं, स्लिम मोल्ड हैं, प्रोटोजोवा हैं, जिसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है, ठीक है। बीइंग यूकेरियोट, यूकेरियोट होने की वजह से, यूकेरियोट होने के फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो, तो उनको हम यूकेरियोट में रखते हैं, ठीक है, यूकेरियोट बोलते हैं। बीइंग यूकेरियोट प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकेरियोट होने की वजह से जो प्रोटिस्टन की सेल बॉडी थी वो एक ट्रू न्यूक्लियस कंटेन करती है, और उनके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ठीक है। सम प्रोटिस्टन है सीलिया, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं, हमारे प्रोटिस्टन ऐसे होते हैं जिनमें हमारे सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया हमारा पैरामीसियम में पाया जाता है। और सम है फ्लैजला, किसी में फ्लैजला होते हैं, तो हमारा फ्लैजला हमारा यूग्लेना में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस, जो प्रोटिस्टर होते हैं हमारे, प्रोटिस्टा होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे, बाय प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, तो हमारा सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्रैसोफाइट्स के बारे में, क्रैसोफाइट्स क्या है हमारे, उसके बारे में देखते हैं। तो क्रैसोफाइट्स इंक्लूड, क्रैसोफाइट्स में हमने इंक्लूड किया डैटम एंड डिसमिट को, क्रैसोफाइट में हमारे डैटम एंड डिसमिट होते हैं, जिसमें डिसमिट्स को हम बोलते हैं गोल्डन एल्गा, गोल्डन एल्गा बोलते हैं हम। तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर, जो हमारे क्रैसोफाइट्स होते हैं, डैटम एंड डिसमिट्स होते हैं, ये हमारे फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। दे आर द माइक्रोस्कोपिक, ये हमारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट, जो ये तैरते हैं वाटर करंट के थ्रू, इसको हम बोलते हैं प्लैंकटन, जो हमारी वाटर करंट के थ्रू फ्लोट करते हैं इसको बोलते हैं प्लैंकटन, यानी ये प्लैंकटॉनिक होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेट, जो बहुत सारे होते हैं ये फोटोसिंथेट होते हैं, इनमें से बहुत सारे होते हैं जो कि हमारा फोटोसिंथेट होते हैं, फोटोसिंथेट मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द यूज ऑफ सनलाइट एनर्जी, ठीक है। इन डैटम सेल, जो हमारी डैटम की सेल वाल होती है, फॉर्म टू थिन, मतलब डैटम की सेल वाल होती है ओवरलैप थिन करती है, टू थिन सेल वाल होती है, वो ओवरलैप करके एक सोप बॉक्स की तरीके फिट हो जाती है दोनों में एक साथ, जैसे एक एक सेल वाल ये है, ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है, और एक सेल वाल ये है, तो ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाती हैं, जैसे हमारी सोप बॉक्स, सोप रखने के हमारा जो बॉक्स होता है उसके तरीके बन जाता है ये। डैटम जो सेल वाल होती है डैटम की, ये इम्बेडेड विद सिलिका, इसमें कुछ सिलिका होते हैं, और ये इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब इसको हम जल्दी से नष्ट नहीं कर सकते हैं। डैटम की जो सेल वाल होती है इसमें सिलिका होता है, जिसकी वजह से हम उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। डैटम है लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ द सेल वाल डिपॉजिट इन देयर हैबिटाट, जो डैटम हमारे जहाँ से बहुत समय तक अपने हैबिटाट पे जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी मात्रा में अपना
वो हैबिटेट में सिलिका का डिपोजिशन कर देते हैं जो जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है। एक्यूमुलेशन ओवर अ बिलियन ऑफ ईयर इज रिफर टू एज डायटमेसियस अर्थ। बिलियन ऑफ ईयर तक हमारे डैटम्स यहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे एक अर्थ बन जाती है ग्रेट। हमारी डायटमेसियस अर्थ होती है वो ग्रेटी नेचर की होती है, उसकी जो सॉइल होती है वो ग्रेटी नेचर की होती है। तो उसका हम यूज क्या करते हैं, वो हमारी ग्रेटी नेचर की, तो हमारा यूज क्या होगा उसका, तो यूज हमारा होता है उसका यूज ऑफ पॉलिशिंग, जब हम किसी चीज़ को पॉलिश करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के फिल्ट्रेशन में, सिरप के फिल्ट्रेशन में, और हमारे जो डैटम्स होते हैं इसको हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन भी बोलते हैं। डैटम्स होते हैं हमारे वो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं कि जो हमारा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है क्या है, तो हम बोलेंगे डैटम्स हमारा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है ना। बिकॉज फोटोसिंथेटिक ये इन नेचर, ये हमारा क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है इस वजह से हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोलते हैं। ठीक है, हम देखते हैं डायनोफ्लैजेलेट के बारे में। व्हाट इज डायनोफ्लैजेलेट? सो डायनोफ्लैजेलेट आर मोस्टली मैराइन। जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं हमारे वो मोस्टली मैराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे आर एपियर येलो, ग्रीन, ब्लू, ये हमें एपियर जो होते हैं हमें दिखेंगे। ये कैसे कैसे दिख सकते हैं, येलो दिख सकते हैं, ग्रीन दिख सकते हैं, ब्लू दिख सकते हैं, ब्राउन, रेड, डिपेंड ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। ये डिपेंड करता है कि इनकी बॉडी में की सेल में कौन सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर जैसे हमको रेड दिख रहा है तो आर फाइकोएरिथ्रिन होगा वो प्रेजेंट होगा, तो इसकी वजह से हमको रेड दिखेगा। जो इसकी जो सेल वॉल होती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन आउटर सर्फेस, सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन आउटर सर्फेस। सेलुलोजिक नेचर की इनकी आउटर सर्फेस में एक प्लेट पाई जाती है। जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं हमारे, ये टू फ्लैजेला होते हैं इन पे, डायनो मतलब दो, फ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला, इसके नाम से ही पता चल रहा है, डायनो मतलब दो, फ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला। इसकी बॉडी इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, वंस जो होता है लॉन्गिट्यूडनली होता है एंड अदर जो ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब खड़ा खड़ा, ट्रांसफर मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं इन फॉरो बिटवीन वॉल प्लेट्स वेरी ऑप्टन। ठीक है, इनकी जो वॉल प्लेट्स होती है वहाँ पर पाई जाती है। रेड डायनोफ्लैजेलेट जो होता है हमारा, रेड डायनोफ्लैजेलेट जो होता है हमारा, इसको गोनोलेक्स बोलते हैं। गोनोलेक्स को हम रेड डायनोफ्लैजेलेट बोलते हैं। इसको रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो मेन पिगमेंट है इसका आर फाइकोएरिथ्रिन है, आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से इसको हम रेड डायनोफ्लैजेलेट बोलते हैं। अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन डेट मेक द सी एपियर रेड। जो रैपिड मल्टीप्लीकेशन की वजह से ये जो हमारा सी होता है उसको वो रेड कर देता है, जिसको लाल सागर बोलते हैं, रेड टाइड एपियर, लाल सागर के तरीके वो रेड कर देगा उसको। तो ये बहुत सारे डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं हमारे, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ जो हमारी मैराइन फिशेस होती हैं, मैराइन एनिमल होती हैं, वो डेड हो जाती है इनकी टॉक्सिन की वजह से। सो आफ्टर वी डिस्कस अबाउट यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड इसके नाम से ही पता चला, यूग्लिनॉइड मतलब इसमें यूग्लिना आएगा, इसको यूग्लिनॉइड में यूग्लिना को रखा गया है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। जो हमारे यूग्लिनॉइड होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं हमारे फ्रेश वाटर होते हैं, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, जहाँ पे बहाव ना हो रहा हो पानी का, ठहरा हुआ पानी हो, जैसे तालाब का पानी है ना, झील का पानी, ये ठहरा हुआ पानी होता है। बट जो रिवर का पानी होता है वो ठहरा हुआ नहीं होता है, वो चलता रहता है, फ्लो होता रहता है। ठीक है, इस वजह से भी रिवर में यूग्लिनॉइड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर। जो यूग्लिनॉइड में होती है एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं पेलिकल। जो पेलिकल होती है वो प्रोटीन रिच लेयर होती है। ठीक है, विच मेक बॉडी फ्लेक्सिबल। जो पेलिकल होती है वो यूग्लिनॉइड की बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है, यानी लचीली बना देती है, वो बहुत लचीली हो जाती है। ठीक है, दे हैव टू फ्लैजेला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग। इनमें यूग्लिनॉइड में भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक जो होता है हमारा शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। दे आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिनॉइड को कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल क्यों बोला गया, इसके पीछे रीजन है। बिकॉज जो हमारा यूग्लिनॉइड होता है इसमें प्लांट के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। जैसे अगर सनलाइट, जो अगर हमारी सनलाइट प्रेजेंट है तो ये हमारा प्लांट की तरफ बिहेव करेगा, अगर सनलाइट अब्सेंट है तो हमारा एनिमल की तरफ, हेटरोट्रॉफ की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम टेस्ट में देख लेते हैं क्या लिखा है। तो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये हमारा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है प्लांट एंड एनिमल। बिकॉज दे बिहेव इन प्रेजेंस ऑफ लाइट,
बिकॉज दे बिहेव प्रेजेंस ऑफ लाइट अ फोटो ऑटोट्रॉप, जो लाइट की प्रेजेंस में फोटो ऑटोट्रॉप, जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट जो होते हैं हमारे सनलाइट को यूज करके अपना भोजन बनाते हैं, उसी तरह ये भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप हो गया। अब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब हमारी सनलाइट नहीं होगी तो दे बिहेव एट हेटरोट्रॉफिक, जब हमारी सनलाइट नहीं होगी तो ये हमारा हेटरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेगा, हेटरोट्रॉफ करेगा, क्या करेगा मतलब प्रीडेटर हो जाएगा, फिर ये प्रीडेटिंग ऑन सम स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तो मतलब वो किसी को मार के खाएंगे, अपना प्रीडेटिंग करेंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो यूग्लोनाइड में जो पिगमेंट होता है आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, जो यूग्लोनाइड में पिगमेंट होता है, पिगमेंट क्या होगा फोटो ऑटोट्रॉफ के लिए, हमारा पिगमेंट जो है मेन नेसेसरी पिगमेंट है, तो वो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है हमारा, जो हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन बना लेते हैं हायर प्लांट और अपना यूग्लिना भी, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल हो गया, यूग्लिनॉइड में यूग्लिना को रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्लिम मोल्ड, स्लिम मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे हम। स्लिम मोल्ड क्या होते हैं, स्लिम मोल्ड और सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, जो स्लिम मोल्ड होते हैं वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं हमारे। द बॉडी अलोंग डिकिंग ट्यून्स लीव एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो इनकी बॉडी होती है वो हमारी इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करती है, डिकिंग ट्यून्स जो होते हैं मतलब पत्तियां वगैरह डिकिंग हो गई, उनको इनगल्फ करके अपना यूज करती है। सुटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम फॉर्म बनाते हैं, जब इनकी सुटेबल कंडीशन होगी, इनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग कंडीशन होगी, तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। बट इनकी अनफेवरेबल कंडीशन में दे फॉर्म फ्रूटिंग बडी, जब इनकी एडवर्स कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो ये फ्रूटिंग बडी बनाएंगे, ठीक है, फ्रूटिंग बडी बना लेते हैं। द फ्रूटिंग बॉडी बियर्स स्पोर एट टिप, जो फ्रूटिंग बॉडी होती हैं उनमें टिप पे स्पोर होते हैं, ठीक है, स्पोर हैव ट्रू बॉल, जो स्पोर में होती हैं वो ट्रू बॉल होती हैं, स्पोर हैव ट्रू बॉल। दे एक्सट्रीमली रजिस्टेंट सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, ये स्पोर्स जो होते हैं इनमें ट्रू बॉल्स होती हैं और ये एक्सट्रीमली रजिस्टेंस होते हैं और बहुत सालों तक सर्वाइव कर लेते हैं एडवर्स कंडीशन में बहुत सालों तक सर्वाइव कर लेते हैं। दे स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स बाई एयर करेंट, जो इनके स्पोर्ट्स होते हैं स्लिम मोल्ड के, जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एयर करेंट के थ्रू, हवा के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे अब प्रोटोजोअन के बारे में। प्रोटोजोअन भी हमारा जो है, प्रोटोजोअन मतलब प्रो मतलब अग्रिम बहुत पहले और जोवन मतलब एनिमल, ठीक है, तो मतलब बहुत पहले जो हमारे एनिमल थे उनको हम प्रोटोजोअन बोलते हैं। प्रोटोजोअन में भी हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ये भी हमारा प्रोटोजोअन में आते हैं। तो प्रोटोजोअन काल प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल, जो प्रोटोजोअन थे हम उनको बोलते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल, मतलब जो बहुत पहले के एनिमल थे उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल। आल प्रोटोजोअन आर हेटरोट्रॉफ, आल प्रोटोजोअन जो हमारे वो हेटरोट्रॉफ हैं एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, जो हमारे प्रोटोजोअन हैं वो हेटरोट्रॉफ हैं और वो हमारे प्रीडेटर और पैरासाइट के तरीके रहते हैं। ये हमारे प्रोटोजोअन को हम लोगों ने चार भागों में डिवाइड किया है, फोर ग्रुप में डिवाइड किया है। जो हमारा फर्स्ट है अमीबियाड प्रोटोजोअन होता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। अमीबियाड प्रोटोजोअन, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, ये हमारे फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। कैप्चर देयर प्रे बाई पुटिंग सूडोपोडिया, ये अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं, अपने प्रे को कैसे पकड़ते हैं, यानी अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं, इनके इनमें सूडोपोडिया होते हैं। सूडोपोडिया को हम बोलते हैं फाल्स फीड, मतलब ट्रू पैर ना हो, इनके फाल्स फीड मतलब फाल्स फीड होते हैं। ये हमारे अमीबा में पाए जाते हैं, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, अमीबा में पाए जाते हैं, ये अपने प्रे को पकड़ते हैं सूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। मैराइन फॉर्म अमीबा है सिलिका सेल, मैराइन फॉर्म जो अमीबा की होती है उसमें सिलिका की सेल पाई जाती हैं ऑन देयर सरफेस, ठीक है, और सिलिका हमारा डाटम से पाया जा रहा था, ठीक है। इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटका और पैरासाइट्स, जो हमारा प्रोटोजोअन में एंट अमीबा हिस्टोलिटका होता है वो पैरासाइट होता है, अमीबिक डिसेंटरी कॉज करता है। फिर सेकेंड हम देखते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन,
जो फ्लैटलेजेट प्रोटोजोवंस हैं इनमें हम क्या है मेम्बर ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग, ये इस मेम्बर के ग्रुप जो होंगे फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे है फ्लैजला, इनके पास फ्लैजला भी होता है। ठीक है, जो पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज, जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो डिजीज कॉज करती है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, जो हमारा स्लीपिंग सिकनेस होता है वो कॉज बाई टेपनोसोमा गैम्बुसियंस। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज बाई, तो हमारा आ जाएगा टेपनोसोमा गैम्बुसियंस। बट स्लीपिंग सिकनेस को जो ट्रांसमिट करता है कौन ट्रांसमिट करता है सिफिलिस की डिजीज को, तो ये है सेट सी फ्लाई, या सिर सेट सी फ्लाई या सिर सी फ्लाई बोलते हैं इसको हम बोल। हमारा देखेंगे इसमें आता है सिलेटेड प्रोटोजोन। सिलेटेड प्रोटोजोन में कौन कौन से आते हैं, सिलेटेड से नाम ही से पता चला है सिलेटेड यानी सीलिया होगा, इस पर सीलिया होगा तो यहाँ हमारा पैरामीशियम इसमें आएगा सिलेटेड प्रोटोजोन में। सिलेटेड प्रोटोजोन में हमारा पैरामीशियम आएगा। हम देखते हैं दीज आर एक्वाटिक, ये एक्वाटिक हो सकते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, ये एक्टिवली मूविंग होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत फटाफट जल्दी जल्दी जाते हैं क्योंकि इनमें सीलिया होती हैं। ठीक है, दे हैव ए कैविटी, इनमें एक कैविटी होती है ओपन टू आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस, जो सेल सर्फेस से बाहर की तरफ खुलती है, इसको हम कैविटी को, इस कैविटी को बोलते हैं गलेट भी बोलते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉ ऑफ सीलिया, जो सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है यानी एक साथ जो मूवमेंट होता है सीलिया एक ही दिशा पे मूव करेंगी, कॉज वाटर लेडन विथ फूड टू बी मूव इनटू गलेट, इनकी जो कैविटी में होता है जो सीलिया जो एक साथ मूव करेंगे तो जो वाटर लेडन इनकी जो वाटर में जो फूड होता है इनकी कैविटी में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं गलेट। ठीक है, पैरामीशियम आर सिलेटेड प्रोटोजोवन, ये पैरामीशियम जो होता है हमारा सिलेटेड प्रोटोजोवन है क्योंकि इसमें सीलिया हमारा पैरामीशियम में पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्पोरोजोवंस, स्पोरोजोवंस से मतलब चल ही रहा है हमारा कि स्पोर मतलब स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, डिजीज कॉजिंग स्पोर होंगे वो। इट्स इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेट इन्फेक्टियस स्पोर्स, जो इन्फेक्टियस स्पोर्स होते हैं, इन्फेक्टियस स्पोर्स होंगे तो हमारा वो डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, लाइक स्टेज देयर लाइफ साइकिल, इनमें इन्फेक्टियस स्पोर्ट्स की एक लाइफ साइकिल होती है इनकी लाइफ में। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस, इनमें मोस्ट नोटोरियस होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, इसमें इसकी वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन में डिजीज कॉज होती है और बहुत सारी पॉपुलेशन डेथ भी होती है बहुत उसमें। विच कॉज मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया पैरासाइट होता है जो कि हमारा मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया विच हैज़ स्ट्रेंगलिंग इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि हमारे ह्यूमन की पॉपुलेशन में बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। में किंगडम फंजाई, यूनिक किंगडम ऑफ द हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म, जो किंगडम फंजाई होता है यूनिक किंगडम होता है हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म का, वो हेटरोट्रॉफ किस टाइप का होता है, सेप्रोफाइट हेटरोट्रॉफ होता है, जो सेप्रोफिटिक होते हैं मतलब सड़ी गली चीज़ों पर अपना भोजन बनाएंगे। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन, मतलब फंजाई जो होता है वो हर जगह पाया जाएगा, कॉस्मोपोलिटन होता है, जो फंजाई की ग्रोथ प्रेफर होती है, फंजाई कहाँ पे ग्रोथ अपनी ग्रोथ प्रेफर करते हैं वो होता है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, जो हमारा फंजाई होता है वो अपने वार्म और ह्यूमिड प्लेस में जहाँ पे हमारा थोड़ा टेम्परेचर हो और नमी हो वहाँ पे ये ग्रोथ प्रेफर करता है। जो फंजाई जो होता है वो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी पे, मतलब उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होते हैं उस पे और अपने हैबिटेट पे, क्योंकि ये कॉस्मोपोलिटन होता है हर जगह पाया जाता है, इस वजह से अपना मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, और जो हमारा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता था वो हमारा बैक्टीरिया था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो पे अपने देखा है। ठीक है, जो ब्रेड होता है, ब्रेड मॉल्ड होता है जो हमारा, वो राइजोपस होता है। ऑरेंज रॉट होता है वो पेनिसिलियम होता है। और जो हमारा मशरूम होता है वो एडिबल होता है, इसको हम लोग एडिबल का मतलब हम लोग उसको खाने में यूज करते हैं और ये डिलीशियस भी होता है। ईस्ट आर यूज इन मेड ब्रेड एंड बियर, जो हमारा ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी हमारा ईस्ट ही है जो कि हम ब्रेड और बियर में यूज करते हैं बनाने में, जो कि एक यूनिसेलुलर ईस्ट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ फंजाई आर मल्टीसेलुलर, ज़्यादातर जो फंजाई होती है वो मल्टीसेलुलर होती हैं, बट जो हमारा ईस्ट है वो हमारा यूनिसेलुलर होता है, ये हमारा एक्सेप्शन है कि ईस्ट हमारा है वो क्या है, यूनिसेलुलर है।
ईस्ट आर यूज एंड मेक ब्रेड एंड बियर, जो हमारा ईस्ट होता है वो हमारा ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। सम ऑफ फंजाई कॉज डिजीज, बहुत सारी जो फंजाई होती हैं वो हमारे डिजीज कॉज करती हैं प्लांट एंड एनिमल में। जैसे हमारा प्लांट में क्या डिजीज होता है, वीट रस्ट जो होता है कॉज बाई पक्सिनिया, जो हमारा वीट में रस्ट लग जाता है तो उसको हमारा कॉज करता है वो पक्सिनिया कॉज करता है। सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जो हमारे कुछ होते हैं फंजाई होते हैं हमारी वो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होते हैं, जो पेनिसिलियम नोटोटम ये हमारा सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होता है। तो पेनिसिलियम एक चांस डिस्कवरी थी जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, है ना, वो चांस डिस्कवरी थी, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली अपनी वीडियो में इन डिटेल्स। इन देयर बॉडी, जो फंजाई की बॉडी होती है ये सिलेंडर होती है, लॉन्ग हो सकती है, सिलेंडर लॉन्ग सिलेंडर शेप होगी, थ्रेड लाइक होगी स्ट्रक्चर, इसको हम हाइफी बोलते हैं। इनकी जो फंजाई की बॉडी होती है तो ये थ्रेड लाइक हो सकती है, सिलेंडर लाइक हो सकती है, जिसको हम हाइफी बोलते हैं। और जो हाइफी ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के हाइफी को तो हम माइसिलियम बोलते हैं, हाइफी ऑफ नेटवर्क को हम माइसिलियम बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं। सम हाइफी आर कॉन्टीन्यूअस, कोई हाइफी होती हैं कॉन्टीन्यूअस होती हैं, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो कॉन्टीन्यूअस है, उसमें कोई भी सिप्टा नहीं है, सिप्टा का मतलब कोई इसमें क्रॉस बॉल नहीं है और वो ट्यूब फिल्ड पूरा कॉन्टीन्यूअस है, जैसे एक पाइप है उसमें कोई भी सेप्टा नहीं है और उसमें उसको हम कॉन्टीन्यूअस बोलेंगे। विद मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट यानी बहुत सारे न्यूक्लियस हों उनके साइटोप्लाज्म में, तो उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। ऐसी हाइफी जिसमें कॉन्टीन्यूअस वॉल हो और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो और क्रॉस वॉल ना हो, तो उसको हम सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। अदर है सेप्टा, किसी में सेप्टा होते हैं और क्रॉस वॉल होती हैं, तो ऐसी हम हाइफी को बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन, जो हमारी काइटिन की सेल वॉल होती है वो हमारी, सॉरी जो हमारी फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है एंड पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो होता है हमारा नाक यानी यन एस्टिल ग्लूकोसामिन एंड नाम यन एस्टिल म्यूरामिक एसिड, ये हमारे यन नाक एंड नाम जो होते हैं हमारे होमोपॉलीमर होते हैं, ये एक चीज़ से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो काइटन होता है हमारा इसको हम फंगस सेलुलोज भी बोलते हैं, काइटन को हम फंगस सेलुलोज भी बोलते हैं। जो फंजाई हमारी होती हैं सम सेप्रोफिटिक पैरासिटिक सिम्बायोटेंट, मतलब कुछ सेप्रोफाइड होती हैं सड़ी गली चीज़ों पर रहती हैं, कुछ पैरासाइड होती हैं मतलब दूसरों पर रहती हैं, दूसरों पर अपना जीवन यापन करती हैं। सिम्बायोटेंट मतलब किसी के एसोसिएशन में रहना, मतलब मिल के रहना, जैसे होता है फंजाई एल्गा के साथ मिलकर रहती हैं एज ए लाइकेन, फंजाई प्लस एल्गी रहेंगी तो वो लाइकेन हो जाएगा, और फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइक्रोजिया, जो हमारा फंजाई और हायर प्लांट की रूट में रहते हैं तो वो बन जाता है क्या बोलते हैं माइक्रोजिया बोलते हैं उसको, माइक्रोजिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है कैन बी टेक प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन्स, जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव मीन्स भी हो सकता है। वेजिटेटिव में हमारे आते हैं, वेजिटेटिव में हमारे आते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब किसी बॉडी का एक पार्ट हटा दो, काट के हटा दो और फिर वो नया प्लांट बन जाता है, ऐसे फ्रेगमेंटेशन। फ्यूजन आ गया, बडिंग आ गया, ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग पाई जाती है, हमने देखा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स, जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा स्पोर्स की शुरू होता है, स्पोर्स हमारे इसको हम कोनोडिया बोलते हैं, स्पर्जियो स्पोर बोलते हैं और जू स्पोर बोलते हैं। जू स्पोर इज द मोस्ट कॉमन स्पोर, जू स्पोर इज हमारा मोस्ट कॉमन स्पोर होता है। कोनोडिया आर एग्जोजिनसली, कोनोडिया जो हमारा होता है वो एग्जोजिनसली होता है और नॉन मोटाइल होता है और एसेक्सुअल स्पोर होता है। कोनोडिया जो हमारा होता है एग्जोजिनसली होता है, नॉन मोटाइल होता है, एसेक्सुअल स्पोर होता है, कुम कोनोडिया बोलते हैं। जो स्पोर इज मोस्ट कॉमन, जो स्पोर इज मोस्ट कॉमन स्पोर, जो स्पोर जो होता है हमारा वो मोस्ट कॉमन स्पोर होता है, इंडोजिनसली होता है, मोटाइल होता है क्योंकि इसमें हमारे फ्लैजला पाए जाते हैं और एसेक्सुअल स्पोर है ये। सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, जैसे हमारा ओ स्पोर हो गया, इसको स्पोर्ट्स हो गया और बेसिडियो स्पोर्ट्स हो गया, ये हमारे सेक्सुअल स्पोर्ट्स हो गए। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व, सेक्सुअल साइकिल फंजाई में जो होती है सेक्सुअल साइकिल क्या होती है कैसे होती है, उसमें थ्री स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगेमी
प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी हमारा जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। जो कैरियोगैमी होता है, कैरियस का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियस का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियोगैमी। एंड मियोसिस, ये हमारे तीन स्टेप होते हैं सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई में, यानी प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, यानी प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल, जो कुछ फंजाई में होती हैं टू हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन इमीडिएट रिजल्ट इन डिप्लॉयड सेल, मतलब कुछ फंजाई होती हैं जिसमें टू हैप्लॉइड सेल मिलके डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। बट इन एस्कोमाइसिडीज, जो हमारी एस्कोमाइसिडीज हो गई और बेसिडियोमाइसिडीज हो गई, इसमें डाइकैरियोटिक स्टेज पाई जाती है, यानी एन प्लस एन टू न्यूक्लियाई पर सेल, यानी एक सेल में दो न्यूक्लियस होंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। अकर्स दिस कंडीशन कॉल डाइकैरियन, और इस कंडीशन को हम डाइकैरियन बोलते हैं, एंड इस फेस को डाइकैरियोटिक फेस भी बोलते हैं ऑफ फंगस, डाइकैरियोटिक फेस ऑफ फंगस बोलते हैं इसको, ठीक है, कि एक सेल में दो न्यूक्लियस होंगे तो हम इसको डाइकैरियोटिक फेस बोलते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, जो इसकी माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी होती है, एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग, देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, मेनली फोर क्लास, यानी जो इसकी माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है, स्पोर फॉर्मेशन का मेथड क्या है, इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है या नहीं बनती है, इसकी वजह से हम इनको चार क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, जो कि हमारी चार क्लासेस क्या क्या हैं, हमारी चार क्लासेस हैं फाइकोमाइसिडीज, यानी फाइको मतलब से पता चल रहा है एल्गल फंजाइज को हम बोलते हैं, एस्कोमाइसिडीज को हम सैक फंजाइज बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिडीज और ड्यूटेरियोमाइसिडीज, ड्यूटेरियोमाइसिडीज को इम्परफेक्ट फंजाइज बोलते हैं और बेसिडियोमाइसिडीज को हम क्लब फंजाइज बोलते हैं। ये हम आगे देखते हैं। तो हमारा आ गया फाइकोमाइसिडीज, तो फाइकोमाइसिडीज को हम बोलते हैं एल्गल फंजाई, ये एल्गल फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, फाइको मतलब प्लांट से रिलेटेड है तो अपना खाना खुद बना लेगा, ठीक है। द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिडीज आर फाउंड इन एक्वाटिक, ये हमारे पानी में पाए जाते हैं, एक्वाटिक पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी हमारे ज़मीन में पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल में पाए जाएंगे, तो ऑन डिकाइंग वुड, मतलब डिकाइंग वुड पे, और डैम्प प्लेसेस जहाँ पे कचरा वगैरह डैम्प होता है वहाँ पे डैम्प प्लेसेस ऐसे वहाँ पे पाए जाएंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट में, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। माइसिलियम आर ब्रांच एंड सेप्टेट, सॉरी माइसिलियम आर ब्रांच एंड एसेप्टेट, जो हमने देखा था जो माइसिलियम ब्रांच और एसेप्टेट था, जिसको हम सिनोसेटिक कंडीशन पाए जाते हैं, तो हमारा जितने फंजाई की क्लासेस हैं सिर्फ सिनोसेटिक कंडीशन हमारी फाइकोमाइसिटेज में ही पाई जाती है, इसके बाद हमारा सिनोसेटिक कंडीशन नहीं पाई जाती है, सभी में ये ब्रांच्ड और सेप्टेड होते हैं, बट इसमें फाइकोमाइसिटेज में ये ब्रांच और माइसिलियम एसेप्टेड है, ठीक है, जिसको सिनोसेटिक कंडीशन बोलते हैं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब वही है कि बॉडी का कोई भी पार्ट हटा दो और वो फिर से बन जाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा है जू स्पोर एंड एप्लेनोस्पोर से होता है, जो जू स्पोर होता है मोस्ट कॉमन स्पोर होता है, ये इंडोजिनसली होता है और मोटाइल होता है बिकॉज इसमें फ्लाजला पाए जाते हैं और एप्लेनोस्पोर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आइसोगैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस, आइसोगैमस का मतलब होता है आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमेट, जब सेम टाइप के गैमेट से बनेगा तो वो आइसोगैमस हो जाएगा। इन आइसोगैमस, इन मतलब अपोजिट, ठीक है, इन आइसोगैमस मतलब अपोजिट टाइप के गैमस, मतलब जो उसके गैमेट होंगे वो अपोजिट टाइप के होंगे। और ओगैमस क्या होता है, एक जो होता है एक गैमेट मोटाइल होगा एक गैमेट नॉन मोटाइल होगा, तो इसको हम ओगैमस टाइप बोलते हैं।
ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल हैं उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, उसके जो एग्जांपल के लिए मैंने ट्रिक बनाई है वो है रैंप। क्या है रैंप? RAMP, रैंप। रैंप मतलब कोई बोलते हैं ना कि भाई कोई एंकर आया वो रैंप कर रहा है ना, रैंप। तो रैंप मतलब होता है, आर से मतलब हो गया राइजोपस, तो आर से मतलब हो गया हमारा राइजोपस, ए से मतलब हो गया एल्विगो, यम से मतलब हो गया म्यूकर। और ये जो ट्रिक किसके लिए बनी है ये भी तो पता होना चाहिए ना हमको कि हमने ट्रिक बना ली है, पता नहीं भाई किसके लिए बनी है। तो पी का मतलब हो गया फाइकोमाइसिटेज के लिए, यानी जो हमारी ये ट्रिक बनी है फाइकोमाइसिटेज के लिए बनी है। और ये हमारे तीन एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं ये हमारे इसी से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये एग्जाम्पल दिए हैं उसी से पूछते हैं, एनसीईआरटी से बाहर बहुत ही कम आते हैं। अब देखते हैं हम एस्कोमाइसिटेज के बारे में। एस्कोमाइसिटेज जो बोलते हैं वह सेक फंजाई बोलते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है। एस्कस, एस्कस को हम उल्टा कर देंगे, एस्कस है तो यस ए सी, ठीक है। तो इसी से बन गया सेक फंजाई, सेक फंजाई बन गया हमारा, ठीक है। एस्कोमाइसिटेज को हम सेक फंजाई बोलते हैं। द मेम्बर ऑफ एस्कोमाइसिटेज आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल, जो एस्कोमाइसिटेज के मेम्बर होते हैं वो टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं यानी ज़मीन में पाए जाते हैं। मे बी ये सेप्रोफाइड भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं और ये डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल जिसके एस्कोमाइसिटीज के मेम्बर होंगे वो टेरेस्ट्रियल ज़मीन में पाए जाएंगे और ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं। एंड कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कैप्रोफिलस क्या होता है। तो कैप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन डंग, डंग का मतलब होता है गोबर, यानी गोबर, ठीक है। ये सभी जानते हैं गोबर क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं इनकी मेंबर जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, कैप्रोफिलस होते हैं यानी ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है। इनका जो माइसिलियम होता है वो सेपरेट होता है, ब्रांच और सेपरेट होता है। मैंने बताया था ना फाइकोमाइसिटीज ही सिर्फ ऐसा है जिसमें कि माइसिलियम ब्रांच और ए सेपरेट है, यानी सिनोसेटिक कंडीशन सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में पाई जाती है, बट जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं वो ब्रांच और सेपरेट होते हैं, इनमें सिनोसेटिक कंडीशन नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, ये तो मोस्ट कॉमन है, फंजाई में फ्रेगमेंटेशन तो होता है, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनोडिया, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनोडिया होता है, कोनोडिया जो हमारा होता है एग्जोजिनसली, एग्जोजिनसली नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, कोनोडियो स्पोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर आर इंडोजिनसली, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये इंडोजिनसली होते हैं, प्रोड्यूस इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो इंडोजिनसली होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, कॉल्ड एस्कस, एस्कस बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर को। दीज एस्कस आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बडिंग, दीज स्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बडिंग कॉल्ड एस्कोकार्प, इसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं। जो इसके लिए ट्रिक मैंने बनाया है, तो एस्कोमाइसिटीज को याद करने के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है, ट्रिक फॉर एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो इसके एग्जांपल होते हैं न्यूरोस्पोरा, जिसको हम ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं, ये जेनेटिक वर्क में यूज होता है, ठीक है। एस्परजिलस, वीड ऑफ लेबोरेटरी, एंड क्लेबिसेप्स, क्लेबिसेप्स और एस्कोमाइसिटीज, जो इसके लिए ट्रिक हो गई हमारी क्या है, नाका, नाका या नासा जो भी पढ़ो आप, नाका वैसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नाका, यन से न्यूरोस्पोरा और ए से एस्परजिलस एंड सी से क्लेबिसेप्स एंड ए से ये किसके लिए बनी है, एस्कोमाइसिटीज के, यानी एस्कोमाइसिटीज फंजाई की एस्कोमाइसिटीज क्लास के लिए हमारी ट्रिक बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज, जिसको बेसिडियोमाइसिटीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज जो होता हमारा वो क्लब फंजाई होता है। सो दे ग्रो ऑन सॉयल, ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्प, ये हमारी सॉइल पे भी ग्रो होती हैं, ट्री के स्टम यानी ट्री का कोई तना कटा हुआ पड़ा हुआ है तो उस पे ये ग्रो हो जाती हैं। इन लिविंग प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी लिविंग रहती हैं एज ए पैरासाइट, ये प्लांट बॉडी में भी एज ए पैरासाइट रहती हैं, जैसे हमारा रस्ट एंड स्मट, रस्ट एंड स्मट, जो रस्ट हमारा कॉज कर रहा था, वीड में रस्ट कॉज कर रहा था वो हमारा पक्सिनिया कॉज कर रहा था, ठीक है। कॉमनली नोन, इनकी जो कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम,
जो इसकी एसिडियो मैसेज की ज़्यादा नोन है, नोन फॉर्म है कॉमनली, जिसको हम जानते हैं मशरूम को जानते हैं, मशरूम को हम मशरूम बोलते हैं, ठीक है। और हम इसको ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, एंड पफ वाल्व बोलते हैं। ये बेसिडियो माइसिडीज के मेम्बर्स हैं। माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड, इसका जो माइसिलियम होता है वो ब्रांच और सेप्टेड होता है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं, जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो जनरली नॉट फाउंड, जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जनरली नॉट फाउंड, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बेसिडियो माइसिडीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यहाँ से आता है कि बेसिडियो माइसिडीज में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए जो हमारी ट्रिक है, वो है बापू से हम इसको याद कर लेंगे। बी से हो गया हमारा बेसिडियो माइसिडीज, ए से हो गया हमारा एगेरिकस, एगेरिकस को मशरूम बोलते हैं जो कि हमारा एडिबल होता है, हम इसको खाने में यूज करते हैं, ये बहुत डिलीशियस होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, ठीक है। पक्सीनिया जो हम बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जो हमारा वीट में रस्ट कॉज कर रहा था वो हमारा पक्सीनिया ही कॉज कर रहा था। और इस्टुलेगो स्मिट, ठीक है, इस्टुलेगो को हम स्मिट भी बोलते हैं। तो हमारे ये बेसिडियो माइसिडीज के एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट बचा है वो ड्यूटेरियोमाइसिडीज बताएं, इसको हम देख लेते हैं। जो हमारा ड्यूटेरियोमाइसिडीज होता है इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इसको हम इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन है जो कि अभी हम बताएंगे आपको इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं। इसको कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट तो वही होगा भाई, इसमें सेक्सुअल भी हो और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जब दोनों चीज़ें हैं तभी हम बोलेंगे भाई परफेक्ट है, वरना इसको परफेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनोडिया, जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा कोनोडिया के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो ट्रिक हो गई, इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है, तो इसको हम बोल देंगे कैडेट, CADET, ये कैडेट, कैडेट इसकी ड्यूटेरियोमाइसिडीज की ट्रिक है। सी से कोलिट्राइकम जो होता है, कोलिट्राइकम, ये सी से हो गया। ए से हो गया हमारा अल्टरनेरिया हो गया। अब ये किसके लिए ट्रिक बनी है, तो डी ई से मतलब हो गया हमारा ड्यूटेरियोमाइसिडीज, ठीक है। और जो टी से हो गया ट्राइकोडर्मा, हमारा टी से हो गया ट्राइकोडर्मा। वायरस वेराइड्स प्रियॉन सेल लाइकाइन, जिनको आर एस विटेकर साहब ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं दिया, जिनको हम सेपरेट अलग से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वायरस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो हमारा वायरस होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक होता है। इसको हम कनेक्टिंग लिंक क्यों बोलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बिकॉज वायरस कनेक्टिंग लिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास खुद की मशीनरी नहीं है, ठीक है। ये बॉडी के आउटसाइड हॉस्ट सेल के बाहर ये एक इनर स्टेज क्रिस्टलाइन स्टेज में पाया जाता है, धूल के समान है, कि बॉडी के बाहर जब तक है तो ये कुछ नहीं कर सकता है, बट अगर हॉस्ट सेल की बॉडी के अंदर चला गया तो भाई खेल ख़राब कर देगा पूरा, ठीक है। उसकी पूरी मशीनरी ले लेता है अपने अंडर में और अपने हिसाब से अपन सुपर मास्टर बन जाता है, अपने हिसाब से वो काम करेगा और हॉस्ट को अपने किल कर देगा। सो इन वायरस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट इन वायरस कैप्सिड प्रोटेक्टेड द जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड, जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये जो कैप्सिड होता है इसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। जो कैप्सिड होता है हमारा प्रोटीन का खोर होता है, कवर होता है, जो प्रोटीन का बना होता है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो वायरस होते हैं हमारे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें कोई सेल नहीं होती है। और इनर्ट आउटसाइड लिविंग सेल, जो लिविंग सेल के बाहर ये हैं, ये इनर्ट स्टेज में पाया जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है जब ये लिविंग सेल के बाहर है। बट
वायरस एफ जेनेटिक मटेरियल, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा एक होगा, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। दोनों जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं वायरस में, ठीक है। तो द नेम ऑफ वायरस, वायरस नेम क्यों पड़ा, द नेम ऑफ वायरस डेट मीन बीनोम, बीनोम और पॉइजनस फ्लूड गिवन बाई पास्चर। जो हमारे पास्चर साहब ने थे उन्होंने इसको वायरस को बोला बीनोम और पॉइजनस फ्लूड। बीनोम का मतलब होता है विष, विष मतलब जहर, ठीक है। तो डीजे आई वानोवस्की 1892 में इसको रिकग्नाइज किया। सर्टन माइक्रोब्स जो कि कॉज कर रहे थे ऑर्गेनिज्म में मोजेक डिजीज ऑफ टोमेको, देयर वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये जो था वायरस था बैक्टीरिया से स्मॉलर था, एंड दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ठीक है। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये पास हो रहा था क्योंकि ये बैक्टीरिया से छोटा था। तो हमारे जो आइवानोवस्की साहब थे इन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ये मोजेक डिजीज कॉज कर रहा है टोमेको प्लांट में। इसको जब देखा तो ये बैक्टीरिया फिल्टर प्रूफ से ये पास हो रहा था क्योंकि ये उससे छोटा था, है ना। एम डब्ल्यू बेजर्निक इन 1898 डिमॉन्स्ट्रेटेड डेट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोमेको कुड कॉज इन्फेक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट कॉल्ड द फ्लूड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम। कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम का मतलब होता है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड, ठीक है। तो हमारे जो एम डब्ल्यू बेजर्निक साहब थे इन्होंने देखा कि जो टोमेको मोजेक डिजीज कॉज कर रहा था तो उन्होंने इन्फेक्टियस प्लांट से उसका एक्सट्रैक्ट लिया, यानी उसको पीस पीस के उसका पीसा, उसको ग्राइंड किया और उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया। और वही एक्सट्रैक्ट जो निकला वो एक हेल्दी प्लांट में उन्होंने डाल दिया, हेल्दी प्लांट में डाला तो वहाँ उस पर भी हेल्दी प्लांट में भी डिजीज हो गई, हेल्दी प्लांट में भी वो भी कंटामिनेट हो गया। कंटामिनेट होने का मतलब इन्फेक्टियस होना, मतलब किस कोई इन्फेक्शन एक इंसान को है और वही इन्फेक्शन ड्यू टू कंटामिनेशन दूसरे पे हो जाए तो उसको कंटामिनेशन बोलते हैं। तो कंटामिनेशन जो होता है कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम बोला, जिसको इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड बोला, ठीक है। तो एम डब्ल्यू एम स्टेनले साहब ने थे 1935 में, डब्ल्यू एम स्टेनले साहब थे वायरस को क्रिस्टलाइन किया कि वायरस जो होता है क्रिस्टलाइन हो सकता है एंड कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। जो वायरस को क्रिस्टलाइन किया और देखा कि उसमें बहुत सारी प्रोटीन थी। जो वायरस डिजीज कॉज करते हैं, जो हमारे डिजीज कॉज वायरस होते हैं क्या करते हैं इसमें, जो प्लांट्स में होते हैं वो डिजीज कॉज होगी तो या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से हो जाएगी या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से हो जाएगी। बट जो एनिमल में होता है या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होगी या डुबल स्टैंडर्ड आरएनए से होगी या फिर डुबल स्टैंडर्ड डीएनए से होगी। बट इन बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज क्या होता है हमारा, उसमें जो डिजीज होता है डुबल स्टैंडर्ड डीएनए से होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो होता है हमारा वायरस को इन्फेक्ट कर दे, ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं उसको। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वायराइड्स। वायराइड्स क्या होता है हमारा, जो हमारे ट्रियोडाइनर साहब थे, ट्रियोडाइनर थे 1971 में, ट्रियोडाइनर साहब ने नए इन्फेक्टियस एजेंट, जो नए डिजीज कॉजिंग एजेंट इन्फेक्टियस एजेंट को देखा डेट स्मॉलर देन वायरस, जो कि वायरस से छोटा था, स्मॉलर था। और ये क्या करता था, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये PSTD कॉज करता था। PSTD यानी आलू में PSTD पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता था। द लैक ऑफ प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता था, कैप्सिड यानी प्रोटीन कोड जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करता था वायरस में, कैप्सिड का खोल इसमें नहीं पाया जाता था। सो आरएनए फाउंड टू बी फ्री, जो आरएनए था वो फ्री स्टेट में पाया जाता था यानी नेक्ड स्टेट में पाया जाता था, क्योंकि कवर नहीं था। तो द आरएनए ऑफ वायराइड्स वाज लो मॉलिकुलर वेट, जो वायराइड्स का आरएनए था वो लो मॉलिकुलर वेट था देन वायरस। तो आफ्टर डैट वी देखते हैं लाइकेन, व्हाट इज लाइकेन। तो हमने देखा था जब एल्गा और फंजाई हमारा एसोसिएट होते थे, सिम्बायोटिक स्टेज में आते थे, तो वो लाइकेन फॉर्मेशन करते थे। बट जो फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट था अगर वो आता था तो उसको माइक्रोजिया बोलते थे। तो हम देख लेते हैं लाइकेन।
सो लाइकेन आर सिम्बायोटिन, लाइकेन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली यूजली एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। जो हमारा लाइकेन होता है वो एल्गा और फंजाई के म्यूचुअली यानी साथ साथ एसोसिएशन से बनता है, ठीक है। द एल्गल कंपोनेंट, जो हमारा एल्गल कंपोनेंट होता है वो हमारा फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट मतलब एल्गा जो हमारा होता था फोटोऑटोट्रॉफ होता था, फोटोऑटोट्रॉफ का मतलब वो अपना भोजन खुद बनाता था, यानी सनलाइट की प्रेजेंट में उसमें क्लोरोफिल पाया जाता था, इस वजह से वो अपना भोजन खुद बनाता था, इसलिए इसको फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। और जो फंगल होता है कंपोनेंट कॉल माइकोबायोन्ट, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं उसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं, यानी फंजाई जो होता है हमारा यहाँ पर इसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं, जो हमारा खुद भोजन नहीं बनाता है उसको तो मेटोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। एल्गल आर ऑटोट्रॉफ, जो एल्गा है वो ऑटोट्रॉफ है, सो प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। जो हमारा एल्गा है वो फूड प्रिपेयर करता है, फूड बनाता है फंजाई के लिए, और फंजाई भी क्या करता है भाई, दोनों साथ साथ रह रहे हैं हाउस एंड वाइफ के तरीके, हाउस एंड हस्बैंड के तरीके, ठीक है। हाउस में वाइफ रहती है, घर में रहती है, वो खाना बनाती है अपने हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड का काम क्या होता है, बाहर से अपनी जो वाइफ की ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है। यानी यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एल्गा है वो वाइफ है और जो फंगल है वो हस्बैंड है, ठीक है। सो एल्गा आर ऑटोट्रॉफ, सो प्रिपेयर फूड, जो एल्गा होता है वो ऑटोट्रॉफ होता है और अपना फूड बनाता है फॉर फंजाई के लिए, एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, जो फंजाई होती है वो क्या करती है एल्गा को रहने के लिए जगह देती है, एंड फंजाई जो होती है एब्जॉर्ब मिनरल, जो फंजाई होता है वो मिनरल एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, एंड वाटर फॉर एल्गा, जो फंजाई होती है वो एल्गा को रहने के लिए जगह देती है और उसके लिए मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है एंड वाटर एब्जॉर्ब करती है एल्गा के लिए, ठीक है। सो लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, जो लाइकेन होते हैं हमारे वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, जो हमारे लाइकेन होते हैं वो पॉल्यूटेड एरिया पे ग्रो नहीं करते हैं, जहाँ पे पॉल्यूशन होगा पॉल्यूशन एरिया होगी वहाँ पे ग्रो नहीं कर देंगे, स्पेशली ये SO2 पॉल्यूशन, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसके पॉल्यूशन का गुड पॉल्यूटेड इंडिकेटर होते हैं हमारे लाइकेन, तो हमारे ग्रो नहीं करते हैं पॉल्यूटेड एरिया पे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम प्रियॉन्स, जो प्रियॉन्स होते हैं हमारे इनको हम स्लो वायरस बोलते हैं, ठीक है। प्रियॉन्स हमारे स्लो वायरस हो गए। प्रियॉन्स आर एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स, जो प्रियॉन्स होते हैं हमारे एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ये हमारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज को कॉज करते हैं, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं। ये सिमिलर टू वायरस, ये हमारे वायरस के सिमिलर होते हैं, ये हमारा 0.02 से 0.2 माइक्रोन होते हैं, जो वायरस का साइज होता है उसी के सिमिलर होते हैं, और जो हमारे माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.03 माइक्रोन होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का साइज होता है, ये लिविंग स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो पे अपने देखा था, ठीक है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाई प्रियॉन्स, ये एक प्रियॉन्स डिजीज कॉज करता है, मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज करता है, जैसे बोमन स्पंजी फोरम इंसेफेलोसिफेलस मतलब होता है ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करना, सिफेलोपैथी का मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करना, ठीक है। तो जो हमारा इन कैटल, जो हमारे जानवरों में होता है, कॉमनली कॉज करता है मैड काउ डिजीज, मतलब जो हमारी गाय होती है ना वो पागल हो जाती है, मैड काउ डिजीज नाम से ही पता चल रहा है, मैड मतलब होगा भाई मैड ब्रेन से, ब्रेन यानी न्यूरोलॉजिकल, ठीक है। ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे बायोलॉजी हमको बहुत ईजी लगेगी, वरना बायोलॉजी बहुत कन्फ्यूजिंग है। और ये CR जैकोब डिजीज, ये CJD क्रू जैकोब डिजीज, जो हमारी ये ह्यूमन में कॉज करती है प्रियॉन्स, ठीक है, जिसको हम स्लो वायरस बोलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जब तक आप मेरे से जुड़े रहिए और बने रहिए। इफ़ यू लाइक माई सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड्स एंड लाइक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, यू हैव ए नाइस डे।